एमपी बोर्ड भोपाल यानी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने 10वीं या 12वीं के सप्लीमेंट्री के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। इन्हें आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको फुल प्रोसेस बताने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। इसमें आपको टाइप करना है MPBSE MP Online। इतना लिखेंगे और सर्च करेंगे तो आपके सामने जो पहली वाली लिंक दिखाई दे रही, इसको आपको ओपन कर लेना। इसका डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी सीधे इस पे आ सकते हैं। स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है काउंटर बेस फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं यहां पर बहुत सारे ऑप्शन खुलकर आ जाते हैं। सबसे ऊपर ही यानी आज की तारीख कल की तारीख में प्रिंट सप्लीमेंट्री एडमिट कार्ड आ गए हैं। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद आपसे आपका रोल नंबर मांगा जाएगा। अब जो आपका पुराना रोल नंबर है आपको वही फिल कर देना है। उसके बाद में कैप्चा कोड आपको जो इसका योग आता है वो आपको जोड़कर यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद में जनरेट एडमिट कार्ड पर आपको क्लिक करना है। एडमिट कार्ड आपके सामने आ जाएगा, इसमें ऊपर ही लिखा हुआ है प्रवेश पत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 2022। अगर 10वीं 12वीं का जो भी आपका एडमिट कार्ड है वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। इसमें आपका रोल नंबर जो भी जानकारी आपकी जो रहती है एडमिट कार्ड में वो सब आपको देखने को मिल जाएगी। आपका परीक्षा केंद्र कहाँ पर मिला हुआ वो भी आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा। आपका जो केंद्र आपको जहाँ पर एग्जाम देने जाना है वो मिल जाएगा। आपका फोटो, नाम, माता पिता का नाम, जो भी आपकी डिटेल होती है सब मिल जाएगी। आपको किस विषय में सप्लीमेंट्री आई थी, उसका भी, किस तारीख को एग्ज़ाम देने आपको जाना है, कौन सा दिन है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सेंटर आपका नाम यहाँ पर दिख गया है। अब इसे प्रिंट करने के लिए आपको कुछ इसमें डायरेक्शन यानी महत्वपूर्ण निर्देश लिखे हुए हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। क्या समय रहने वाला है, आपको कितनी बजे पहुँचना है, ये सारी जानकारी इसमें लिखी हुई है, आप इन्हें एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ही आप अपने परीक्षा केंद्र पर जाइएगा। प्रिंट करने के लिए प्रिंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड प्रिंट होने के लिए तैयार हो जाएगा और इसे आप ऑनलाइन ही कहीं से भी प्रिंट कराकर एग्जाम देने जा सकते हैं। इस तरह से आप अपने मोबाइल फोन से ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।